हेलो, वेलकम हेलो। मैम टू शुभम ठाकुर लाइव एंड क्या फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो ऑडियंस, दिस इज शुभम ठाकुर एंड वेलकम टू द फिफ्थ एपिसोड ऑफ शुभम ठाकुर लाइव। एंड टुडे वी हैव आवर गेस्ट हु इज द फाउंडर एंड द डायरेक्टर फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द न्यू फ्यूजन फाउंड क्रिएटिव फाउंडेशन। सो हियर आई वेलकम डॉक्टर अनुभूति भटनागर। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मिस्टर शुभम फॉर इनवाइटिंग मी फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। लुकिंग फॉरवर्ड मैम फॉर द सेशन नाउ। या सो मैम लाइक आई वॉच योर पेज एंड ऑन इंस्टाग्राम एंड आई सॉ द वीडियो एज वेल। यू रियली डिड अ ग्रेट वर्क आउट देयर लाइक फ्रॉम अ वेरी पास्ट पास्ट ईयर। सो आई वुड लाइक टू नो दैट हाउ यू स्टार्ट एंड हाउ इट्स बीन टिल डेट। ओके So sure. So I'll take you back to the 7 years before when I started it. So it's been now more than 7 years now. I'll tell you there was two, three incident which happened. So one incident happened around 13 years back. So what happened at that time? We were coming back from my daughter's PTM. So we were in Jaipur at that time. So on the red light. There were some kids, those who were asking for the money, and they came to near to our car and they started knocking our car's window. So मेरी बिटिया थी वो छोटी सी थी at that time she was 3. So वो बोलती है मामा ये स्कूल क्यों नहीं जाते, तो ये इनका पीटीएम क्यों नहीं है आज। तो मैंने कहा बेटा ये स्कूल नहीं जा पाते, क्यों नहीं जाते? तो मैंने उनको बताया कि बेटा मामा पापा उनके नहीं भेज सकते हैं इसलिए नहीं जा पाते। तो शी सेड कि ठीक है मम्मा, मैं एक इनको स्कूल खोलूंगी जहां पर बच्चे फ्री में पढ़ेंगे और उनको पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एंड मैं सबको पढ़ाऊंगी। फिर पढ़ेंगे ना? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ेंगे। सो दैट वन थिंग केम इन माई माइंड। देन उसके बाद मैं किरण बेदी जी को बहुत फॉलो करती रही हूँ और उनके ऊपर मैंने रिसर्च भी किया है, तो मुझे उनसे भी थोड़ा इंस्पिरेशन हमेशा मिली है। उसके बाद 2000 सब समय गुजरता गया, 2012 आ गया। मेरी बिटिया और थोड़ी बड़ी हो गई, शी वॉज अराउंड 8 दैट टाइम। मैं बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी और मैं आई वॉज बेड रिडन फॉर 3-4 मंथ्स, एंड आज तक वो पता नहीं चला है कि उसका क्या रीजन था। आई वेंट थ्रू विद द सर्जरीज एंड एवरीथिंग, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला उसका। तो उस समय कुछ अंदर से एक अवेकनिंग हुई कि आई हैव टू डू समथिंग। और ऐसे ही हम बैठ नहीं पाएंगे, ऐसे ही मुझे बैठे रहना नहीं है और मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो मैंने अपने हस्बैंड से बात किया कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ और कुछ करना है, जो मैं कर रही हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। उसी दौरान एक और इंसिडेंट हमारे घर में ये हुआ कि मेरी जो कुक थी वो बहुत तारीफ करती थी अपने बेटे की आकर कि मेरा बेटा बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहा है और देखिएगा दीदी वो ना बहुत अच्छा कुछ करेगा और उसको डॉक्टर बनने का मन है, वो डॉक्टर बनेगा। वन डे शी वॉज लिटरली क्राइंग एंड शी टोल्ड मी कि दीदी मेरे बेटे ने पढ़ाई छोड़ दी और वो पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, और वो इतना अच्छे से पढ़ रहा था। तो मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ, मैंने उसको बोला कि तू तो हमेशा उसकी इतनी तारीफ करती थी, अचानक क्या हुआ? तो वो बोली कि पता नहीं दीदी, अभी वो बोलता है कि मुझे पढ़ना ही नहीं है, कि मेरा पढ़ने में मन ही नहीं लगता। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, अचानक से क्या हुआ ऐसा? तो मैंने कहा चल अभी ठीक है, मुझे थोड़ा सा ठीक होने दे, फिर मैं बात करती हूँ, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। क्योंकि मैं सोशियोलॉजी में शुभम मैं PhD हूँ और मैं MA हूँ, तो हमने बहुत सर्वेस करना सीखा है। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं सर्वे करूं आखिर कि क्या रीजन है, क्यों बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो जब हमने सर्वे किया, क्योंकि हमारा एक मेंटेलिटी ये रहती है कि मम्मी पापा नहीं पढ़ाना चाहते, ये रहती है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं इस वजह से बच्चे नहीं पढ़ पाते, लेकिन जब मैंने सर्वे किया ना तो लिटरली हम एक कहावत भी है ना, जब दूसरे के जूते में पैर रख के देखो तो आपको पता चलता है प्रॉब्लम क्या है। तो वही उस चीज उस समय वही चीज हुई कि जब मैंने उनके हिसाब से सोचा देखा तो मुझे पता चला कि खाली फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है, माँ बाप भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन स्कूल्स का जिस तरह से एजुकेशनल सिस्टम है हमारा कि बच्चा बस स्कूल आए और चैप्टर्स पढ़ा दिए, उनको रटा दिया, भेज दिया, जिस तरह से डिमोटिवेशन होता है, जिस तरह से पेरेंट टीचर्स जो है उनसे बात करते हैं, करियर गाइडेंस कोई नहीं है उनके पास, कोई एंटरटेनमेंट का उनके पास साधन नहीं है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज उनके पास नहीं है। तो उस वजह से
वो पढ़ना ही नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि हमारे लिए पढ़ाई क्या है, हमारा कोई पैशन अटैच नहीं है इससे, हमें कुछ पता ही नहीं है कि हमारे कुछ टीचर्स बता ही नहीं रहे हैं कि हमें आगे जाके करना क्या है। क्योंकि ज्यादातर अगर आप जब बात करेंगे ना बच्चों से, तो आप ये पाएंगे कि बच्चे या तो इंजीनियर बनना चाहता है या डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलती और फिर वो लोग अपने सपनों को कहीं खो देते हैं और फिर उनको लगता है कि नहीं मैं काम करना शुरू कर देता हूँ, और उनके लिए उस समय वो 5,000 10,000 कमाना ही सब कुछ हो जाता है। तो मैं पेंटर हूँ और मैं हमेशा बच्चों के साथ उस समय उससे पहले से पेंटिंग की क्लासेस लेती आई थी। टाइम्स एनआई में मैंने एज ए आर्ट कंसल्टेंट जॉब किया था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं बच्चों के साथ कुछ क्रिएटिव करना शुरू करूं। तो मैंने क्ले मॉडलिंग की क्लासेस लेनी शुरू करी स्कूल्स में जिसमें वो बच्चे जाते थे। सो दैट वे न्यू फ्यूजन स्टार्ट हुआ। फिर मुझे लगा इसको एक नाम देना चाहिए, फिर हमने नाम दिया। फिर सबसे पहले हमने एक फ्री समर कैंप शुरू किया वहां पर, जो कि 2 महीने का समर कैंप था। तो जिस स्कूल में हमने किया था उनकी बात मुझे आज भी याद आती है। उन्होंने उस समय भी मुझसे ये बात कही थी कि अनुभूति 15-20 बच्चे होंगे, क्योंकि ज्यादातर बच्चे अपने नानी नाना के यहाँ चले जाते हैं समर्स में और वो लोग रुकेंगे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है मैम, हम 15-20 के साथ काम करेंगे, आपको बस रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया, हमने कुछ पैम्फलेट्स इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट करे और हमारे पास 110 रजिस्ट्रेशन थी उस समय। और 2 महीने तक वो 110 बच्चा हमारे पास बना रहा। और फिर हमने एक 2 दिन का इवेंट जयपुर में किया और वो बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा। और जिस तरह से पेरेंट्स इमोशनल हुए और मैं जिस तरह से इमोशनल बच्चों का परफॉर्मेंस देखकर हुई, और पेरेंट्स ने जिस तरह से मुझसे बात की कि हम सोच नहीं सकते थे कि हमारे बच्चे इतने बड़े स्टेज पर आके काम कर पाएंगे, आप प्लीज उनका साथ मत छोड़िएगा। तो उस दिन मुझे ये चीज हुआ कि नहीं, मुझे अब इन बच्चों के साथ रेगुलर काम करना होगा। खाली समर कैंप या बार बार एक एक दिन जाकर एक क्लास करने से कुछ नहीं होगा। तो इन बिटवीन मैंने जो समर कैंप का टाइम था, मैंने एनजीओ रजिस्टर कराया और सारी जो पेपर वर्क होता है वो कंप्लीट करा, ओपन अकाउंट ओपन किया, इंस्टाग्राम तो तब था नहीं, फेसबुक पर मैंने पेज स्टार्ट किया। सो दिस ऑल वे इट स्टार्टेड एंड अभी तक चल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी चलता रहेगा। मैम, आई विश यू फॉर द वेरी बेस्ट. मैम, ये जो आपने एनजीओ जो स्टार्ट किया था, ये कौन से साल की बात होगी? हाँ, मैंने 2013 में स्टार्ट किया था जब मैंने स्कूल्स में जाना शुरू किया। ओके. सो मैम, फ्रॉम स्टार्टिंग यू आर इनटू समथिंग लाइक यू आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प समवन और अप्रिशिएट एनी टैलेंट और समथिंग. यस, तो हमारा जो मॉडल है वो हमारा मॉडल ही इस रूप में काम करता है कि हम बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बुलाते, हम बच्चों को परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए बुलाते हैं। और फिर बच्चों को धीरे धीरे हम काउंसिल करते हैं कि वो पढ़ें, उनके अंदर ये बात डालते हैं कि पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है। डांस और थिएटर और सब चीजें तो सीखने ही बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बट पढ़ाई भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप कहीं पर भी अपने आप को प्रेजेंट करेंगे वहां पर आपको बोलना आना चाहिए, वहां पर आपको बात करनी आनी चाहिए। अगर आपको बात करनी नहीं आएगी तो आप में चाहे कितना भी टैलेंट है, आप लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे अब मेरे पास हैं और वो मेरे से अब कहते भी हैं कि माँ हम तो, दे कॉल मी माँ, तो माँ हम तो यहाँ पर डांस सीखने आए थे, पता नहीं आपने कब पढ़ाना शुरू कर दिया। एंड उनमें से कुछ बच्चों ने अभी 12th कंप्लीट कर लिया है और वो अब जो है वो कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। या दैट्स सो गुड मैम. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि वो लोग आपको माँ कह के बुलाते हैं. दैट्स अ वेरी बिग ऑनर फॉर योर सेल्फ. सो मैम, नाउ डेज लाइक व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड एम्पावरमेंट? लाइक एवरीबडी टॉक्स अबाउट, देर इज लॉट ऑफ स्टफ अराउंड अराउंड गोइंग गोइंग ऑन, लाइक ऑल द स्टफ ऑफ नेगेटिविटी, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया. सो व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड एम्पावरमेंट नाउडेज? अभी क्या होता है, जब हम किसी भी एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एम्पावर में जो पावर वर्ड छुपा है हम उस पर ज्यादा ध्यान लगा देते हैं, हमारा फोकस खाली पावर में चला जाता है, एम हमारा कहीं ना कहीं गायब हो जाता है उसमें से। तो एम को मैं देखूंगी आई एम पावरफुल। पावरफुल इस तरह से नहीं कि आप जो है आपके हाथ में तलवार है और आप मारने के लिए चल दिए, क्षत्रिय नहीं बनना है उस समय। उस समय एम्पावर का मतलब होता है उसको इस तरह से
जीवन को बढ़ाना, चलाना, सिखाना कि वो अपने जीवन को और बेहतर 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 बनाता चला जाए। एम्पावर उसे इस तरह से करो कि उसे वो ज्ञान हो, कि जो एजुकेशन उसे मिल रही है, वो नॉलेज उसके पास हो, कि जो भी उसके पास जो टैलेंट है, उस टैलेंट को वो किस तरह से यूज कर सकता है अपने जीवन को बनाने के लिए। तो हम जब चाइल्ड एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो अगर मैं बॉयज की बात करूं, तो क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हम सेक्स में उनको डिवाइड कर देते हैं, और जेंडर बायस तो हमारा भारत बहुत ज्यादा ही है, बल्कि और भी देश हैं, लेकिन भारत में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि जेंडर बायस एक है एटीट्यूड सबका। तो जब मेल और फीमेल की बात आती है, तो मेल को जब हम एम्पावर करने की बात करते हैं, तो उसको पावर से जोड़ देते हैं कि ये इसके पास सत्ता है और ये कुछ भी कर सकता है, तो वो एम्पावरमेंट नहीं हुआ, वो उसको गलत ढंग से पावर देना हो गया। और जब हम गर्ल्स की बात करते हैं, तो हम उसके एम्पावर की बात इस तरह से, जैसे आज आजकल वो विचार दौड़ रहे हैं सब जगह कि एम्पावर गर्ल्स को, एम्पावरमेंट या विमेन एम्पावरमेंट, तो हमें उनको आरक्षण देना चाहिए, हमें उनका साथ देना चाहिए। साथ देना नहीं, उनको उनको कंधे पे उनका हाथ नहीं रखना है, उनको अपने सामने लाकर खड़ा करना है। तो एम्पावर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एम्पावर के अर्थ को समझाकर एम्पावर करना जरूरी है, और बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम बच्चों को एम्पावर नहीं कर सकते हैं, तो हम शायद फिर हम बच्चों को एक अच्छा भविष्य नहीं दे सकते हैं, और हम भारत को एक अच्छे भारत में तब्दीली नहीं कर सकते। या तो मैम, ओनली मोटिव इज टू क्रिएट अ बेटर लाइफ स्टाइल फॉर दोज किड्स। सो उनको इस तरह से एजुकेशन देना कि वो अच्छे से एजुकेशन लें, उनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उनको जो पैशन है, उसको उस एजुकेशन के साथ अलाइन करना, जिससे वो पीसफुली उसको चला पाए, और उनको हर क्षेत्र की नॉलेज देना कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। उंगली पकड़ कर चलाना नहीं, उनको सक्षम बनाना कि वो खुद चल सके। मैम, एट द टीनेजर स्पेशली, दे आर इन द स्टेट ऑफ माइंड दैट दे डिन नो दैट कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। सो हाउ डू यू वर्क ऑन द टैलेंट मैनेजमेंट फॉर स्पेशली फॉर दोस किड्स जो हु इज एसोसिएटेड विथ योर एनजीओ? बच्चे मेरे पास आते हैं, बच्चे सीखना शुरू करते हैं, पहले मैं बच्चों को समझना शुरू करती हूँ। तो आप भी अभी उस एज से निकल कर आए हैं, मैं भी कुछ सालों पहले उस एज से निकली हूँ, कि इस एज में बच्चे का दोस्त बनना बहुत जरूरी है। पहले पहले आप दोस्त बने बच्चे का, फिर उसको सिखाना और समझाना शुरू करें, क्योंकि दोस्त बन के क्या होता है, हम उनके बराबर में आके खड़े हो जाते हैं, और जब उनके बराबर में आके खड़े हो जाते हैं, तो उनको समझना हमारे लिए इजी हो जाता है। तो मैं जो हमारा जो सिस्टम है, वो इस तरह से काम करता है कि पहले हम बच्चों के दोस्त बनते हैं, उनके रीजंस को समझते हैं, उनके कारणों को समझते हैं, उनको समझते हैं कि वो क्यों ऐसा करना चाहते हैं, और फिर उसमें धीरे धीरे उनके साथ काउंसलिंग करते हैं, उनको कोच करते हैं कि उनकी जो बेटर है, उनमें से जो उनकी खूबी है, उसको निखार के लाया जा सके। अब मान लीजिए किसी बच्चे ने, मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, कि अगर कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन उसके पास 11th में मेडिकल है ही नहीं, और उसका सपना है कि उसको डॉक्टर बनना है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको ये दिखाते हैं कि तुम्हारे पास और भी टैलेंट हैं जिनको आप फॉलो करके आगे चल सकते हैं। तो आप एक, मैं छोटा सा उदाहरण लूंगी वहां पर, मैं ले सकती हूँ आपका, मैं पहले परमिशन लेती हूँ। आई एम श्योर, फॉर श्योर। ओके, हमारे यहाँ एक बच्चा है, नाम भी ले लेती हूँ उसका, आशीष। आशीष को डॉक्टर बनना था, और उसने 11th में, लेकिन उसके पास साइंस नहीं थी, और उसके पास जो था खाली उस ह्यूमैनिटीज से वो काम कर रहा था। तो उसने मेरे को बोला कि माँ, मुझे डॉक्टर बनना है। मैंने पूछा कि क्या रीजन है, तो कुछ ना कुछ फैमिली में ऐसा इश्यू हुआ था जिसकी वजह से उसको डॉक्टर बनना था, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हेल्प द, मतलब जो उन लोगों को जो कि सक्षम नहीं है मेडिकल साइंस के साथ काम करने में, क्योंकि उनके पास उस तरह के पैसे नहीं है। तो मैंने उसको बोला कि अच्छा, तुम्हें डॉक्टर क्यों बनना है? तो
तो वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर इसलिए बनना है क्योंकि मेरे घर में ऐसे ऐसे इंसिडेंट हुआ था और मुझे जो है लोगों की हेल्प करनी है। तो मैंने कहा बेटा अभी हमारे पास साइंस नहीं है, तो हम डॉक्टर बनने की बात तो नहीं सोच सकते क्योंकि फिर मैं क्या करूं, मुझे तो डॉक्टर ही बनना था। तो मैंने कहा बेटा इसमें दो चीजें हैं, या तो आप डॉक्टर बन के सेवा कर लो, या यस मैम, फिर आप जो है ऐसे कुछ बन जाओ कि आप एक हॉस्पिटल खोल सको और वहां पर डॉक्टर्स को हायर करके और लोगों का इलाज करा सको। यस मैम, तो द थिंग इज दैट कि हमें उनको मोल्ड कैसे करना है, हम कैसे बच्चों को उस दिशा में उनको बुरा भी नहीं लगे और कैसे उनकी चीजों को समझ में आ जाए कि हमें किधर जाना है। यस तो मैम, कभी सख्ती से कभी प्यार से उनको समझाना पड़ता है और वो समझते हैं बहुत प्यार से और आगे चलते हैं। यस मैम, सो दैट्स अ वेरी गुड थॉट ऑफ योर्स. एंड आप जिस तरह से सपोर्ट कर रही हैं सारे किड्स को अपने एक बेटर लाइफस्टाइल लीड करने के लिए, वो अप्रिशिएबल है. एंड मैम, स्पेशली लाइक एज वी आर इन द पेंडेमिक COVID-19, जी सो मैम, व्हाट काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस यू आर अप्लाइंग टू एजुकेट द चिल्ड्रन राइट नाउ मैम, लाइक जब पैनेडेमिक के सिचुएशन आई तभी हमारा रिजल्ट आया था और हमें तो लगा था 15-20 दिन बाद हम स्कूलों में वापस आ जाएंगे, बिकॉज उससे ज्यादा मैं बच्चों से दूर रह नहीं पाती और बच्चे भी मेरे से नहीं रह पाते। तो फिर लेकिन ये स्थिति चलती गई चलती गई, तो ऐसा लगा कि हम बहुत बीच में एक बहुत बड़ा गैप आता जा रहा है। तो जैसे आज आपके साथ में एक इंटरव्यू दे रही हूँ, ऐसे ही एक और लाइव इंटरव्यू पर थी मैं, तो तभी वो कुछ इवॉल्व हुआ कि मैं अगर लाइव इंटरव्यू दे सकती हूँ तो मैं लाइव बच्चों को पढ़ा क्यों नहीं सकती। यस मैम, तो फिर हमने बात किया बच्चों से, तो कहीं ना कहीं किसी के भाई के पास मोबाइल था, किसी के मम्मी के पास मोबाइल था, किसी के पास किस किस तरह से मोबाइल था। तो बच्चों ने फिर हमने उनका जूम ऐप उनको डाउनलोड कराया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमें उनको परिचित कराया, फिर हमने क्लासेस लेना शुरू किया। जो बच्चे आसपास रहते थे, मान लीजिए दो ही बच्चे आसपास बिल्कुल पास पास के घरों में रहते हैं, उनको हमने कहा कि आप साथ में आके पढ़ लो। फिर डेटा का इशू आता है तो फिर डेटा चार्ज कराने का करते हैं, तो इस तरह से हमने शुरू किया। उसके बाद फिर हम हर साल, जब से मैंने एनजीओ शुरू किया जयपुर में, हम हर साल तभी से बच्चों के साथ जो है हम समर कैंप करते आ रहे हैं। तो मुझे अचानक से लगा कि मैं आज तक मैंने वो गैप नहीं किया है कि मैं बच्चों के साथ काम नहीं करूं इस समय पर, अभी मैं कैसे गैप कर सकती हूँ। तो एकदम से ये थॉट प्रोसेस आया, तो मुझे लगा कि क्यों ना हम ऑनलाइन ही बच्चों के साथ काम कर लें। फिर जब ऑनलाइन की बात आई तो मुझे लगा कि मेरे गुड़गांव के बच्चे भी साथ में जुड़ सकते हैं, वाई ओनली विद जयपुर किड्स। फिर मुझे लगा गुड़गांव के बच्चे ही क्यों, मैं तो बार पूरे भारत के बच्चों को जोड़ सकती हूँ। जो बच्चा मेरा शायद आसाम जाके शिफ्ट हो गया है, कोई मेरा शायद जो सिचुएशंस में अपने घरों को लौट गए हैं, या कोई मध्य प्रदेश चला गया, बिहार चला गया, वो बच्चा भी ज्वाइन कर सकता है। फिर तो इस तरह से हमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बच्चों को इकट्ठा करना शुरू करा और पैशन हब के नाम से हमने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसमें हमने क्या किया कि हम मेंटर्स को गांव ले जा रहे हैं बच्चों के पास ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। तो वो हमने मई में स्टार्ट किया, मई जून में हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा और बच्चे उसमें से आगे बढ़े। इनफैक्ट हमने ताइक्वांडो के बेल्ट एग्जाम्स बच्चों के लिए, दे पास देयर बेल्ट एग्जाम्स, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग देम द बेल्ट नाउ। तो हमने अब सेकेंड उसका बैच शुरू किया है विद मोर 400 किड्स। तो इनफैक्ट शुभम जी, अभी मैं जो हूँ पिछले 3 साल में 800 और बच्चों के साथ काम कर पा रही हूँ ऑनलाइन, जिनके पास मैं पहुंच ही नहीं सकती थी। और अभी बहुत मजा आ रहा है जब उनके साथ काम कर रहे हैं, कोई कन्नड़ा बोलता है, कोई उड़िया बोलता है, इनफैक्ट आई एम लर्निंग डिफरेंट लैंग्वेजेस। मैं गूगल पर चेक करती हूँ, मैं बच्चों को बोलती हूँ कि मुझे बताओ कि इसको क्या बोलते हैं। सो एक अलग माहौल है। यस मैम, सो ये अभी जो मैम ये पेंडेमिक चल रहा है, तो मोस्टली सारी चीजें ऑनलाइन होनी शुरू हो गई हैं, जी और छोटी सी छोटी चीजें जो हैं वो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं. तो आई थिंक आप इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देख रही थी, दैट्स वाई आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को रीच कर पाई. ये एक चीज पेंडेमिक पर बहुत अच्छी हुई कि जूम कॉल की तरह या फिर ऐसे और भी हमारे पास एप्स हैं जिससे हम लोग कनेक्ट हो राइट सकते हैं और कहीं भी हो सकते हैं. मैम, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर योर एनजीओ? लाइक आप उसको कहाँ तक देख रही हो, कहाँ तक ले जाने का सोचा आपने? मेरा था कि मेरा हर स्टेट में एक नियो फ्यूजन का ब्रांच हो
जितने भी बच्चे हैं मैं उनको एक ऐसा माहौल दे पाऊँ. मैं टीनेजर्स के साथ काम करती हूँ, ज्यादातर एडोलेसेंस के साथ मैं काम करती हूँ. उनकी एनर्जी मुझे बहुत एम्पावर करती है. जी तो मेरा था कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों, मतलब सारे स्टेट्स में हम लोग काम कर पाए और सारे स्टेट में एक एक सेंटर बच्चों को दे पाऊं. लेकिन उतना फंड्स, उतना टीम बड़ा आना बहुत मुश्किल था. तो एक पैनेडेमिक ने मुझे एक वो भी इस सिचुएशन ने दिया है, पैनेडेमिक ने, कि मैं अभी हम लोग जो है न्यू फ्यूजन के द्वारा 20 स्टेट्स में करीब काम कर पा रहे हैं. कुछ और यस मैम स्टेट्स हमारे रह गए हैं जहां पर हमें पहुंचना है. तो अभी वही फ्यूचर प्लान है कि इस ऑनलाइन क्लासेस पैशन हब के थ्रू हम कैसे उनके पैशन को उनके प्रोफेशन से लिंक करें, कैसे वो अगले 2 साल में, हमने इस तरह से कोर्स डेवलप कर रहे हैं हम लोग कि अगले 2 साल में वो लोग जो हैं वो इतने सक्षम बन जाएं, जो कि 18 साल का बच्चा है या 16 साल का बच्चा है, कि वो जब इतना सक्षम हो जाए अगले 2 साल में उन क्लासेस से कि वो वहां पर खुद के सेंटर्स ओपन कर सके, ओ वहां पर सिखा सके, या फिर जो भी एनजीओज हैं वहां पर, जिन एनजीओज के साथ बच्चे एसोसिएटेड हैं, जिन हम करीब अभी 40 एनजीओज के साथ काम कर रहे हैं, तो उन जो 40 एनजीओज हैं उनके बच्चों को हम इस तरह से एम्पावर कर सके कि वो इन आर्ट फॉर्म्स को या वो जो भी स्किल्स सीख रहे हैं वहां पर वो और बच्चों के साथ काम कर सके. और फिर देखेंगे हम कि किस तरह से उनके साथ हम उनको लगातार ट्रेन करते जाएं और चीजों में ट्रेन करते जाएं, जिससे वो और सक्षम होते चले जाएं और उनको शहरों की तरफ ना भागना पड़े, उनको गाँव में ही सारी सुविधाएं मिल जाए. यस मैम सो मैम बेसिकली द प्रॉब्लम इज कि अभी इंडिया में देखा जाए तो जितने भी मेजर सिटीज है वहां पे, जितने भी स्मार्ट सिटीज है वहां पे बहुत सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, बट इन जी द रूरल रूरल एरिया वहां पे इतना वहां पे नेट की प्रॉब्लम होती है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम होता है और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वहाँ के जो यूथ है, वहाँ के जो बच्चे जी हैं और जितने भी लोग हैं. सो उन सब से कनेक्ट करने के लिए दैट्स वेरी गुड पॉइंट ऑफ योर्स कि आपने जो पेंडेमिक में लोगों को जूम कॉल के थ्रू कनेक्ट करने का कोशिश किया. सो वो एक जो जी स्टेप है ये काफी लोगों को मैटर, काफी लोगों की एंड द वर्क यू आर डूइंग मैम इज सो डिफरेंट एंड सो यूनिक एंड आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क. सो मैम अभी इतना कोई भी चिल्ड्रन एम्पावरमेंट पे बात करता नहीं है, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू से समथिंग टू द ऑडियंस अबाउट रेजिंग चाइल्ड एम्पावरमेंट अवेयरनेस अबाउट इट. या सो चाइल्ड एम्पावरमेंट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमें बहुत ज्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि अभी तो बच्चा छोटा है, कर लेगा, अभी यस मैम बड़ा होगा तो कर लेगा, सीख लेगा. लेकिन या फिर हम बॉयज के साथ डिफरेंट तरीके से एम्पावर करना शुरू कर देते हैं, गर्ल्स को हम दूसरे ढंग से पावरलेस करना शुरू कर देते हैं या जी गलत ढंग से एम्पावर करना शुरू कर देते हैं दोनों तरफ से. तो बिल्कुल एम्पावर करने का मतलब है हमें उन दोनों को सेम स्थिति में लाकर खड़ा करना है. हमें गर्ल्स को जितना एम्पावर करना है उतना ही बॉयज को भी एम्पावर करना है. और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात भी सबको बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं कि हमें गर्ल्स को स्पॉन्सर करना है, यस मैम हमें गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना है. बॉय चाइल्ड को भी उतनी ही जरूरत है जितना गर्ल चाइल्ड को है. हम कहीं ना कहीं गर्ल्स को एम्पावर करने की जगह के साथ साथ बॉयज को नेग्लेक्ट कर देते हैं, कहीं बॉयज को इतना पावर दे देते हैं कि हम लोग गर्ल्स को नेग्लेक्ट कर देते हैं. तो हमारी परवरिश में, माँ की परवरिश में जब से बच्चा पैदा होता है तब से, फिर टीचर के पास वो जितना ज्यादा रहता है, फिर वो, फिर सोसाइटी को धीरे धीरे उस तरह से बदलना पड़ेगा कि हम दोनों को साथ में लेकर चलें, यस दोनों मैम को, दोनों जेंडर्स, दोनों सेक्स को साथ में लेकर चलें. और दोनों को साथ में, मतलब जेंडर तो शब्द बोलना ही नहीं चाहिए, जेंडर जहां आता है वहां पर फीमेल और मेल की बात आ जाती है. तो मतलब एक कि लड़की को ये करना चाहिए, लड़के को ये नहीं करना चाहिए, लड़के को ये करना चाहिए, मतलब इट्स नॉट अबाउट कि लड़की के ऊपर ही सारे बंधन है. मैं तो यस लड़कों के मैम पक्ष में भी बात करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे बच्चे, बेटे मेरे काम कर रहे हैं और मेरे साथ पढ़ रहे हैं. तो मान लीजिए मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि बच्चा परफॉर्मेंस के लिए जा रहा है, क्या लड़कियों की तरह नाच रहा है, क्या लड़कियों की तरह यस रो रहा है? तो इट्स नॉट अबाउट ओनली गर्ल्स, इट्स अबाउट बॉयज ऑल्सो, उनको भी कष्ट होता है. वही छोटा भाई होगा, तू चल बहन बहन के साथ चला जा, अरे उसको एक थप्पड़ भी कोई लगा देगा ना, वो बहन बचा लेगी, वो नहीं बचा पाएगा. लेकिन एक मेंटेलिटी इस तरह से है कि गर्ल्स को हम इस तरह से नीचा करके दिखाने लगते हैं, उनको इतना हीन भावना उनके मन में ला देते हैं, और बॉयज को इतना ज्यादा
ऊपर बढ़ा देते हैं कि वो एम्पावरमेंट कहाँ होगा, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो वो बैलेंस लाना बहुत जरूरी है हमारा साथ यस में। मैम। सुमा मैं कहीं ना कहीं ये जितना भी इंडिया का सराउंडिंग और इंडियन सोसाइटी की जो मेंटालिटी है ये अफेक्ट करती है अपने यूथ के ऊपर। कभी भी ये होता है कि हम लोग गर्ल्स को पावर दे ना दे, हम लोग को जो हमारे जो थॉट्स हैं और जो हमारी सराउंडिंग्स है, क्योंकि हमारे थॉट्स से ही एनवायरमेंट क्रिएट होता है। एक घर में अगर जिस हिसाब से थॉट होगा उसी हिसाब से जो किड चिल्ड्रन होंगे वो उसकी रेजिंग होगी। ये कहीं ना कहीं बहुत मैटर करता है। तो हमें ये जो मेंटालिटी है स्पेशली इसको चेंज करने की ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल अभी जो ये मैम जो मेंटालिटी हो रही है अभी काफी हद तक इम्प्रूव हो रहे हैं, काफी लोग इस पे काम कर रहे हैं एंड आई होप सो कि एक दिन हमारा इंडिया इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचेगा। अभी भी मैम ये है कि कहीं ना कहीं ये चीज है, अभी खत्म नहीं हुई है कंप्लीटली। हमारे कल्चर में देखा जाए तो ये ऑलरेडी है, ऑलरेडी काफी बहुत पुराने टाइम से आती चली जा रही है। बट जी दिस इज द टाइम वी हैव टू चेंज इट नाउ। आई थिंक वी विल मेक श्योर दैट हम लोग कुछ ऐसा कुछ चेंज लेकर आएंगे सोसाइटी में, ताकि आगे जी जो हमारा आने वाला यूथ है वो काफी ग्रो हो और इंडिया हमारा साथ साथ ग्रो हो। बिल्कुल या थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस लाइव सेशन एंड आई एम सो ऑनर्ड दैट आई आई गेट टू हैव यू ऑन दिस शो। सो थैंक यू थैंक यू सो मच सो मैम। मच, थैंक यू सो मच शुभम जी फॉर गिविंग मी दिस चांस मैं बात कर पाई। और इसी के साथ साथ मैं एक चीज और बोलती हूँ, मैं हर जगह बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं बीइंग फीमेल मैं एक बात को इसको आगे ले जाना चाहती हूँ। हम चाइल्ड एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं साथ में कहीं ना कहीं इंक्लूड होती है। तो मैं आपकी परमिशन के साथ एक बात और मैसेज देना चाहती हूँ उन मम्मियों के लिए कि जो मम्मियाँ ये सोच लेती है ना कि नहीं अभी तो हमें बच्चों को रेज करना है, हमें बच्चों को पढ़ाना है, और फिर अच्छी खासी पढ़ी लिखी मम्मियाँ जो कि बहुत अच्छा करती आ रही हैं, अपने स्कूल्स में कॉलेज में टॉप किया है, फिर वो शादी हो जाती है, बच्चों को पढ़ा रही है, बेटी को पढ़ाने के लिए बेटी को ट्यूशन ले जाना है, बेटी को कोचिंग ले जानी है, बेटे को कोचिंग ले जानी है, बेटी के पीछे पीछे उसको एक क्लास करानी है, वो भाग रही है। ठीक है, उन्होंने अपना करियर खत्म कर दिया तो वो अपनी बेटी को या बेटे को क्या बोल रही है कि तुम्हें शादी के बाद अपनी बीवी को ये कराना है या फिर तुम्हें तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम्हें अपने बच्चे को लेके जाना होगा, फिर क्यों दौड़ रहे हैं उनके पीछे। तो महिलाओं को कहीं ना कहीं खुद भी सशक्त होना पड़ेगा। मैं विमेन एम्पावरमेंट की यहाँ पर चाइल्ड एम्पावरमेंट के साथ बात करती हूँ क्योंकि अगर विमेन एम्पावर नहीं होंगी और वो उस तरह से नहीं करेंगी तो वो एम्पावरमेंट वो अपने बच्चों में भी नहीं डाल पाएंगी। यस मैम तो उनको अपने करियर को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उनको गिल्ट कॉन्शियस में आने की जरूरत नहीं है, उनको बच्चे को ये बताना है कि तुम्हें मैंने जिस तरह से पाला है, तुम्हारी मम्मी काम करती आ रही है, तुम्हें भी अपनी वाइफ को वही चांस देना होगा, या तुम्हारी जब शादी हो जाएगी तो तुम्हें अपने घर को अपने हस्बैंड के साथ मिलकर चलाना है, उसी के साथ साथ आपको बाहर जाकर भी सारे काम करने हैं। तो यस मैटरनिटी मैम लीव लें, जो भी लेना है लें, लेकिन प्लीज अपनी जॉब्स ना छोड़ें, क्योंकि मैंने अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स को इस तरह से देखा है कि जब उनके बच्चे कॉलेज में चले जाते हैं तो कॉलेज में जाने के बाद वो अब टीचिंग की जॉब ढूंढ रही हैं या अपना कुछ हॉबी ढूंढ रही हैं। तो वो ऐसा ना करें क्योंकि वो कहीं ना कहीं गलत इंफॉर्मेशन अपने बच्चे को दे रही हैं। हम चाइल्ड को एम्पावर नहीं कर रहे, हम चाइल्ड को डिमोटिवेट कर रहे हैं उस तरह से। ज्यादा है हमारी सोसाइटी में। अभी इसी के साथ ये चीज मैम काफी कहीं ना कहीं परवरिश करने में बच्चों की हमारी जो मॉम्स है वो ये चीजें भूल जाती है। माय मदर वाज आल्सो एन टीचर, आल्सो अ टीचर बैक देन व्हेन आई वाज 7 ईयर ओल्ड, बट आफ्टर दैट शी समहाउ स्टॉप टीचिंग एंड फिर उसके बाद वो हाउसवाइफ ही बन के रह गई। ये वाला भी जो मैम ये पॉइंट है ये आपने जो रखा, मैं लिटरली इसको फील कर सकता हूँ। यू इंस्पायर अ लॉट टू एवरी वन एंड मैम आपके जितने भी बातें थी वो बहुत ही ज्यादा कुछ सिखा के चली गई। इतना तो मैंने कभी भी इन सब थैंक चीजों को डीपली सोचा नहीं। तो थैंक यू सो मच मैम, यू सो मच शुभम, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच फॉर मैम। ब्रिंगिंग मी हेयर, और मैं अपने व्यूज सबके सामने रख पाई, लोगों तक पहुंचा पाई, शायद कुछ समझ में लोगों के आए, कोई बीज शायद उनके जहन में एक मैंने शायद बो पाई मैं, तो वो अंकुरित हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। यस मैम श्योर फॉर श्योर। थैंक यू सो मच मैम एंड आई एम सो ऑनर्ड टू हैव यू ऑन माई शो। थैंक यू सो मच लुकिंग शुभम, थैंक यू। या मैम एंड अभी फ्यूचर में जो आपके एनजीओ के लिए मैं बहुत
बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से कि आपका एनजीओ जो है वो और अच्छा चले, और जिस तरह से आप बच्चों के लिए एक बेटर लाइफस्टाइल क्रिएट करने की कोशिश कर रही हैं वो कामयाब हो सारे आपके जितने भी जो प्रैक्टिसेस आप करती हैं, और जितने भी आप टैलेंट मैनेजमेंट वगैरह वगैरह सब जितने भी मैम आपके यूट्यूब चैनल पे मैंने देखा था, जो आपका न्यू फ्यूजन का यूट्यूब चैनल है उस पर जी कथक टाइकोंडो डांस एंड ऑल आप बहुत अच्छा काम कर रही है मैम। एंड आई होप कि आप इसी तरह से ये काम करते रहें और काफी बच्चों की लाइफ वगैरह चेंज कर सकें, सो दैट हमारा जो आने वाला यूथ है वो काफी अच्छा ग्रो करे और इंडिया हमारा ना वन ऑफ द टॉप कंट्रीज में बने। थैंक यू ओके सो थैंक मच, थैंक यू यू सो मच, आमीन, थैंक यू। थैंक यू, बाय।